हेलो एवरीबॉडी, एवन एजुकेशनल अकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 का हिंदी का पार्ट 4, पाठ का नाम है होली, उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जैसे कि प्रत्येक त्यौहार के पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई होती है, कोई पौराणिक कथा जुड़ी हुई होती है, वैसे ही जो होली त्यौहार है उसके पीछे भी एक कथा जुड़ी हुई है। उस कथा का हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं पाठ की तरफ। पाठ है होली। हमारे प्रत्येक त्योहार से संबंधित कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई होती है, चाहे वह पौराणिक हो या फिर सामाजिक। वैसे ही होली से एक पौराणिक कथा जुड़ी है। पाठ है होली का त्यौहार हिंदुओं का एक धार्मिक त्यौहार है। इसे हम फागुन मास की पूर्णिमा को मनाते हैं। कब मनाते हैं? फागुन मास की पूर्णिमा को हम इस त्यौहार को मनाते हैं। पूर्णिमा के दिन रात को होली जलाई जाती है और दूसरे दिन फाग खेला जाता है। फाग अर्थात धुलंडी। धुलंडी के दिन लोग आपस में एक दूसरे को रंग लगाते हैं और गले मिलकर होली की मुबारकबाद देते हैं। इस त्यौहार को मनाने के पीछे एक धार्मिक कथा प्रचलित है। सतयुग की बात है। राक्षसों का राजा हिरण्यकश्यप बड़ा अत्याचारी और ईश्वर पूजा का विरोधी था, परंतु उसका पुत्र प्रहलाद बहुत सच्चा व ईश्वर का भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को ईश्वर पूजा और भक्ति के मार्ग से हटाना चाहा, परंतु प्रहलाद नहीं माना। उसने उसे मारने के कई उपाय किए, परंतु प्रहलाद हर बार बच जाता। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, उसका नाम था होलिका। उसे वरदान में एक चादर प्राप्त हुई। किसको? होलिका को, कि जिसको ओढ़ने के बाद में वह आग में नहीं जल पाएगी। हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए, जिससे प्रहलाद जल जाए। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश कर गई, परंतु ईश्वर की भक्ति के कारण चादर प्रहलाद के शरीर पर आ गिरी, जिससे प्रहलाद को आंच भी नहीं आई और उसकी बुआ होलिका जलकर मर गई। पूर्णिमा के दिन होलिका को जलाकर इसी कथा को दोहराया जाता है। कौन सी कथा को? जब होलिका अपने भतीजे अर्थात प्रहलाद को गोद में लेकर मारने के उद्देश्य से आग में प्रवेश कर गई थी, उसी बात का यहाँ पे दोहरा किया जाता है कि असत्य का या अत्याचार का विनाश होता है और सत्य की हमेशा क्या होती है? विजय होती है। असत्य अर्थात झूठ की। बच्चे बड़े हर्ष अर्थात बहुत ही खुशी से लकड़ियां एकत्रित करते हैं और रात में ईंधन के बड़े ढेर की पूजा करने के बाद उसमें आग लगा दी जाती है। दूसरे दिन इसी खुशी में लोग रंग खेलते हैं। किस खुशी में? प्रहलाद की बचने की खुशी में। यह भी कहा जाता है कि किसान बहुत प्रसन्न होते हैं और रंग आदि खेलकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। इस दिन यह भी मान्यता है कि नई फसल के पक जाने से किसानों में भी खुशी होती है, इस कारण भी लोग फाग खेलकर अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। इस दिन सभी लोग एक दूसरे के घर जाकर गले मिलकर होली की बधाई देते हैं और रंग गुलाल लगाते हैं। मस्ती से भरे नौजवानों और बच्चों की टोलियां नाचती गाती हैं और चारों ओर आनंद और उल्लास का वातावरण बना देते हैं। अर्थात होली कैसे मनाई जाती है कि बच्चे क्या करते हैं? ईंधन इकट्ठा करते हैं, बहुत बड़ा ढेर बनाया जाता है और फिर उस ईंधन के ढेर की पूजा करने के बाद में उसमें आग लगा दी जाती है। फिर दूसरे दिन फाग खेला जाता है। फाग कैसे खेला जाता है?
लोग एक दूसरे के घर पर जाते हैं, गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। इस प्रकार फाग खेला जाता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि किसानों की फसल पकने के कारण भी इसे खुशी के रूप में मनाया जाता है। नौजवान लोग होते हैं, वो नाचते हैं, गाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी का इजहार करते हैं। इस प्रकार जो धुरंडी होती है वो मनाई जाती है और इसके कारण क्या होता है, चारों तरफ उल्लास का वातावरण बन जाता है, खुशी का माहौल बन जाता है। इस दिन सभी आपसी वैर भाव भुलाकर एक दूसरे से प्रेम प्यार से मिलते हैं। वैर भाव अर्थात जो आपसी मनमुटाव है, शत्रुता है, उसको लोग भुलाकर आपस में गले मिलते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। इस त्योहार की कुछ बुराइयां भी हैं। अब बुराइयां क्या क्या हैं सुनिए। गुब्बारों में पानी भरकर मारने से कई बार चोट भी लग जाती है। कुछ बच्चे या युवा गुब्बारों में पानी भरकर, रंग भरकर, पानी में घोलकर एक दूसरे को मारते हैं तो कई बार क्या होता है, चोट भी लग जाती है, आंखों में गिर जाता है, तो उससे भी क्या होता है, बहुत नुकसान होता है। होली खेलने के लिए कई लोग खराब वस्तुओं व रंगों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इन बुराइयों को छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात इसमें ये दो तीन बुराइयां हैं तो इन्हें छोड़ना चाहिए। फिर ये बहुत ही हर्षोल्लास का त्यौहार है। इस रंग बिरंगे त्यौहार को आनंदोत्सव के रूप में मनाना चाहिए। आनंदोत्सव का अर्थ होता है आनंद का उत्सव, खुशी का त्यौहार। इस प्रकार होली क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है और इसमें जो कुछ बुराइयां हैं उनका भी इस पाठ में वर्णन किया गया है। इस प्रकार आपका जो होली नाम का पाठ है वो पूर्ण होता है। तो ये नमस्कार।